हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमें म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी के साथ में आप इस मोबाइल की जो स्क्रीन है आपको यहां पर बराबर में देखने को मिल रही है, तो आपको यहां पर जो मेरी अमाउंट है वो आपको यहां पर देखने को मिल रही है, जैसे कि 5 लाख और आपको 3000 आपको यहाँ पर रुपये देखने को मिलना है लमसम, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कितने पैसे ऐड किए थे, लगभग मैंने यहाँ पर एक साल पहले यानी कि मैंने कह रहे थे 1 दिसंबर के लिए 2023 में 3.5 लाख रुपए जमा है। अब इसमें 5 लाख 3000 दिखा रहा है और मंथ हो गए आज 11, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 1.5 लाख यानी कि करीब 53,000 रुपए का, यानी कि 1,53,000 रुपए का यहाँ पर ये प्रॉफिट दिखा रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोग दिखा तो देते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, पर क्या हम अगर इसमें म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं तो आखिर हमें यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा और हमें इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, म्यूचुअल फंड काम किस तरीके से करता है और म्यूचुअल फंड में किन्हें पैसे को निवेश करना चाहिए और किन्हें नहीं चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि एक की जो म्यूचुअल फंड होता है वो किसी भी बैंक की एक स्कीम होती है, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि इस मोबाइल में अभी SBI योनो एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है और यहाँ पर जो स्कीम है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। तो ये SBI की एक स्कीम है, ठीक है। उसने यहाँ पर उसे नेम दे दिया है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर होता है, वो म्यूचुअल फंड को पूरी तरीके से मैनेज करता है। उसका काम क्या होता है कि आखिर कौन सी कंपनी किस समय ग्रोथ करेगी, किस समय लॉस करेगी, ठीक है। इसी के साथ में किस फील्ड में आखिर ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है। तो वो फंड मैनेजर है, उस पैसे को उस फील्ड में लगाएगा, ठीक है। इसी के साथ में किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना और बेचना वो इस चीज़ के लिए करता है, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, ठीक है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि यहाँ पर 1,53,000 रुपये का मुझे 11 मंथ में यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए यानी कि 1 साल से कम के लिए अगर आप इसमें पैसे को निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपका शॉर्ट टाइम आ जाता है। अगर आप 1 साल से ऊपर के लिए करते हैं या फिर 1 साल के लिए करते हैं तो वो आपका लॉन्ग टाइम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर करते हैं तो आपको 15% यहाँ पर देना होगा। अगर मैं इस पैसे को अभी निकालता हूँ, क्योंकि मुझे 11 मंथ हुए हैं अभी यहाँ पर, 12 मंथ यानी कि 1 साल नहीं हुआ, अगर मैं इसे अभी पैसे को निकालूंगा और 15% देना होगा, 15% के हिसाब से लगभग यहाँ पर 75,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। अब 75,000 रुपये मैं यहाँ पर गवर्नमेंट को दूंगा टैक्स के रूप में, ठीक है, तब ये पैसा है मेरे अकाउंट में आएगा। शॉर्ट टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, और इसी के साथ में हो सकता है वो अपनी ट्रांजेक्शन फीस भी लगाएं म्यूचुअल फंड मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी अगर 5,000 रुपये वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन वगैरह के लगा लेते हैं, ठीक है, एक अनुमान लगाते हैं, तो यहाँ पर 80,000 चला जाता है, तो मुझे यहाँ पर कितने बचेंगे, मुझे यहाँ पर बचेंगे 4,20,000 रुपये, ठीक है, एक लमसम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 साल के बाद निकालता हूँ यहाँ पर, तब मुझे यहाँ पर कितने बचेंगे, जैसे कि मुझे 1 साल के बाद निकालूंगा तो मुझे यहाँ पर 1 लाख की छूट हो जाएगी, बची मेरी अमाउंट कितनी, 4 लाख। अब 4 लाख पर मुझे 10% के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम में आ जाता है, तो लॉन्ग टाइम में 10% ही देना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें 4 लाख पर मुझे यहाँ पर 40,000 रुपये मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 3,60,000, 3,60,000, इसी के साथ में 4,60,000 रुपये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टाइम में पैसे को निकालते हैं या फिर लॉन्ग टाइम में पैसे को निकालते हैं, तो आपको दोनों ही तरीके समझ में आ गए। अब ऐसे में अगर आप इसमें पैसे को निवेश कर देते हैं और ऐसे में आप सोच रहे हैं कि प्रॉफिट की ही उम्मीद, ठीक है, और इसमें लॉस किस कंडीशंस में हो सकता है वो हम चलिए जान लेते हैं। जो फंड मैनेजर होते हैं वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं कि आखिर कौन सी कंपनी किस समय प्रॉफिट करेगी और किस समय लॉस करेगी, ठीक है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। उनका सिर्फ यही काम होता है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं सिर्फ उनका यही काम होता है देखना, ठीक है, कि आखिर कौन सी कंपनी में पैसे को निवेश करना चाहिए, कौन सी कंपनी से पैसे को निकालना चाहिए, ठीक है, उनका ये काम होता है सिर्फ। और वो इसी चीज़ की वहाँ पर थोड़ी सी कमीशन लेते हैं, जैसे कि
अगर आपने 1,00,000 रुपए उसमें निवेश किए तो उनके 1,000 रुपए हो जाएंगे कमीशन, जो कि 1% के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से तो वही उनकी जो कमीशन होती है और इस तरीके से जो म्यूचुअल फंड है वो काम करता है। अब म्यूचुअल फंड में निवेश किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर आपको शेयर मार्केट की अच्छी खासी वैल्यू है, अगर आपको लग रहा है किसी भी कंपनी के शेयर हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तब आप उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और आपको प्रॉफिट हो जाता है। और आपको ऐसे में यही पता नहीं है कि आखिर कौन सी कंपनी के शेयर हैं वो बढ़ सकते हैं, कौन सी कंपनी के घट सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है उन्हें इस चीज़ के बारे में पता होता है, तो वो उस कंपनी के खरीद लेते हैं और उन्हें लगता है नुकसान हो रहा है तो वो उस कंपनी के शेयर बेच देते हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तब आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है पैसे का वो एकदम समझो ना के ही बराबर होता है, और इसी के साथ में FD से ज़्यादा तो आपको इसमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आप 1,00,000 रुपए की FD करा देते हैं तो उसमें अगर 7% देती है या फिर कोई भी बैंक 8% रिटर्न देती है तो आपको 1,00,000 पर 8,000 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, ठीक है, एक साल में 7% के हिसाब से। तो हर साल महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, अगर आप 1,00,000 की आज गाड़ी निकालेंगे तो वो 1,10,000 की अगले साल को हो जाएगी, ठीक है, आपको इतना समझ जाइएगा तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आखिर महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। तो आखिर आप FD कराते हैं तो मेरे हिसाब से उस FD का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, कि अगर आप उस पैसे को यूज करें, ठीक है, तब आपको बेहतर उसका रिजल्ट मिलेगा। अब यूज किस तरीके से करें, या तो अपने बिजनेस में लगाएं या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाएं, ठीक है, जो कि अच्छा म्यूचुअल फंड हो, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं, ठीक है, पर ऐसे में सही जानकारी ना होने की वजह से आप यहाँ पर लॉस में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी जगह लगाना है म्यूचुअल फंड में पैसा जो कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट करके दे, जैसे कि यहाँ पर SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान है, ठीक है, ये मैंने इसमें स्कीम में पैसा लगाया है। अब इसकी यहाँ पर मैं आपको रेटिंग वगैरह दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, तो ओपन कर लिया है। इसकी NAV है वो मुझे लग रहा है 1 गिर गई है, ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं। जब भी मैंने इसमें पैसे को निवेश किया था, जब भी मैंने NAV खरीदी थी, NAV की फुल फॉर्म होती है नेट एसेस वैल्यू, ठीक है। NAV होती क्या है, NAV एक यूनिट होती है। जब भी म्यूचुअल फंड ये लॉन्च हुआ होगा उसके अंदर कुछ पैसे को ऐड किया गया होगा, ऐड करने के बाद 10 रुपए के हिसाब से NAV बना दी गई होगी, ठीक है, उसके बाद में इसमें पैसे को ऐड होता गया और उसी हिसाब से वो NAV है वो कभी भी बढ़ती नहीं है, सिर्फ उतनी ही सीमित रहती हैं। बस उन NAV की जो कीमत है वो हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। तो वही NAV यहाँ पर आज 394.73 रुपए की एक NAV हो गई है, ठीक है। और इसका मैंने जब भी इसमें पैसे को निवेश किया था तो 200 यहाँ पर 82 रुपए की NAV थी, आज आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 से ऊपर बढ़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है वो पैसे कहाँ कहाँ लगाते हैं ये म्यूचुअल फंड वाले, ठीक है, आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें जो पैसा है कभी कम भी हो जाता है और कभी बढ़ भी जाता है, ठीक है। आप एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप किसी भी जो नाला है या फिर नाली है अगर आप बड़ी है, ठीक है, तो उससे कुछ यानी कि पार करने के लिए आपको पीछे हटना पड़ेगा और उसके बाद में आप छलांग लगाएंगे तो उस नाली को आराम से पार कर जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें यह है, कभी डाउन जाएगा और कभी ऊपर जाएगा, पर आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्राफ कितना यहाँ पर डाउन गया है, कितना किस तरीके से यहाँ पर ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया है, ठीक है। तो ये एक म्यूचुअल फंड होता है। अब म्यूचुअल फंड आखिर कहाँ कहाँ यहाँ पर लगाया जाता है, यानी जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो पैसा कहाँ कहाँ लगाता है, जैसे कि गोल्ड खरीदना, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना, शेयर और स्टॉक एक ही चीज़ होती है, तो ये आपकी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी है, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन हो। इसी के साथ में म्यूचुअल फंड में भी लगाते हैं पैसे, और इसी के साथ में काफ़ी जो स्कीमें होती हैं लेटेस्ट में चलती होती हैं तो उनमें भी उन पैसों को लगा देते हैं। अब ये वेबसाइट वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रिटर्न है वो हमने यहाँ पर अभी तक 50% के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। आप यहां पर देख पा रहे हैं एक मंथ के लिए कुछ भी नहीं है, 6 मंथ के लिए कुछ भी नहीं है, एक ईयर के लिए भी, हाँ एक ईयर के लिए आपको यहां पर कोई टैक्स पे करना नहीं होगा, ठीक है, देख सकते हैं 45.85% तक यहां पर अभी ये रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है 1,00,000 पर आपको यहां पर
लगभग 45-46 हज़ार रुपये का रिटर्न दे रहे हैं। कहने का मतलब है अगर आपने आज की ही डेट में 2023 में 1 लाख रुपए इसमें निवेश किए होते तो 1 लाख पर वो हो जाते आज 1 लाख करीब 46-47 हज़ार रुपये हो जाते, ठीक है।